आपका लास्ट टाइम 31 क्वेश्चंस लगाए थे हम लोगों ने, और आज इससे आगे चलेंगे। एक ये फिगर बना हुआ है, आप देखें एक बार फिर से, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये विभवमापी से रिलेटेड है, और इस विभवमापी से रिलेटेड क्वेश्चन में ये जो ए बी आप देख रहे हैं, ये विभवमापी का तार है। यहाँ पर ये प्राइमरी सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की, और एक सेल यहाँ पर और लगाई गई है ए और सी के बीच में, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में सेल E1 का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। देख रहे हैं परिपथ में आप, वो जो सेल E1 लगी है उसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है। प्रतिरोध तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ये जो तार AB आप देख रहे हैं इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर, और तार का जो खंड AC है उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। एक अन्य सेल E2 का संबंध A व C से कर देते हैं। एक और सेल, इसके अलावा एक और सेल है जिसका संबंध A और C के बीच में, यहां पर हम कर देते हैं, और जब हम इसका संबंध करते हैं तो इस सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। सेल से धारा प्रवाहित ना होने का मतलब क्या है कि ये वाली सेल A और C इन दो बिंदुओं के विभवांतर से बैलेंस हो गई है। बैलेंस हो गई है मतलब इसका जो विद्युत वाहक बल है वो प्रतिरोध तार के बिंदुओं A और C के बीच के विभवांतर के बराबर हो गया, तभी करंट फ्लो नहीं हो रही है। ज्ञात करें तार AB की विभव प्रवणता निकालनी है, और दूसरा सेल E2 का विद्युत वाहक बल भी आपको पता लगाना है। दो बातें आपको मालूम करनी है, बड़ा इजी है। देखिए कैसे मालूम करेंगे, विभव प्रवणता के लिए लास्ट क्लास में भी हम बार बार आपसे बोल रहे थे कि विभव प्रवणता का मतलब ये होता है कि यूनिट डिस्टेंस चलने पर विभव में कितना परिवर्तन आता है। उसके लिए अगर पूरे तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मालूम है और पूरे तार की लंबाई मालूम है तो उससे कैलकुलेट कर लीजिए। पूरे तार का विभवांतर नहीं पता, इतने से तार का विभवांतर मालूम है और इतने तार की लंबाई भी मालूम है तो भी आप निकाल सकते हो। तार के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको पता हो, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच लंबाई भी आपको मालूम होनी चाहिए, फिर विभवांतर बटे लंबाई करोगे विभव प्रवणता आ जाएगी। ये जो सेल यहां पर लगी हुई है 2 वोल्ट की, आप देख सकते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है बताया गया है। अगर बेटा इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है मतलब इसका स्मॉल आर कैसा होगा, 0। अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो इसका जितना भी विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है इसका जरा सा भी मात्रा सेल के अंदर ड्रॉप नहीं हो सकती, इसलिए पूरा का पूरा 2 वोल्ट आपको कहां पर मिल जाएगा, ए और बी के बीच में मिलेगा। चलिए कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले सेल E1 का विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 2 वोल्ट। पूरे तार की जो लंबाई है ए बी की, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ए से सी तक की जो लेंथ है दैट इज ओनली 75 सेंटीमीटर। ए और सी से करने पर धारा प्रवाहित नहीं होती, विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले तार की विभव प्रवणता आपको मालूम करनी है। रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा ध्यान से बेटा देखिएगा, विभव प्रवणता के लिए दो ही चीजें चाहिए ना, विभवांतर और लंबाई। आप ध्यान से देखिए कि आप मुझे तार के ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर बता सकते हैं, 2 वोल्ट, ठीक है। और ए से बी तक की लंबाई कितनी है टोटल, 100 सेंटीमीटर, तो यहां से तो निकाल सकते हैं तार की विभव प्रवणता। रो इज इक्वल टू पूरे तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर ले लीजिए वी ए बी, और पूरे तार की लंबाई ले लीजिए एल ए बी। वी ए बी कितना होगा, जितना उस सेल का विद्युत वाहक बल है, E1 अपॉन LAB।
E1 की वैल्यू है 2 वोल्ट और LAB है 100 सेंटीमीटर। इस तरह से रो की वैल्यू कितनी मिली आपको, दो जीरो हटा दो, दो अंक पे दशमलव लगा सकते हो आप, तो 0.0 यूनिट क्या होगी बोलो बेटा, ये वोल्ट में है और लेंथ किस में यूज करी हमने, सेंटीमीटर में, इसलिए इसका यूनिट आएगा 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ गई, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन इफ यू मूव 1 सेंटीमीटर इन द रेसिस्टेंस वायर, अगर आप प्रतिरोध तार में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलते हैं तो विभव में कितने का अंतर आ जाएगा, 0.02 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। हर 1 सेंटीमीटर चलने पर 0.02 वोल्ट कम हो जाया करेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया सेल E2 का विद्युत वाहक बल, क्योंकि विभव मापी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पहले भी आप लगा चुके हैं, तो सेल E2 का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, सेल E2 प्रतिरोध तार के ऐसी लंबाई से बैलेंस हुई है, इसका मतलब सेल E2 का जो विद्युत वाहक बल होगा वो SAC तक की लंबाई के विभवांतर के बराबर होगा। सेल E2 का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, प्रतिरोध तार की ए और सी के बीच के विभवांतर के बराबर। प्रतिरोध तार में ए व सी के बीच विभवांतर और ये तो अब आपको समझ में आने लगा ना कि विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर कैसे हो जाता है, क्योंकि धारा नहीं बह रही उस समय। अच्छा, ए और सी के बीच विभवांतर, ए से सी तक की लेंथ टोटल कितनी है, 75 सेंटीमीटर, तो ए और सी के बीच का विभवांतर कितना होगा, विभव प्रवणता हमने निकाली हुई है 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर 0.02 और हमें तो 75 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए, गुणा करा दो सीधे, या आप ऐसे लिख सकते हो E2 is equal to rho into LAC, विभव प्रवणता का गुणा A और C के बीच की लंबाई के बराबर हो जाएगा, गुणनफल के बराबर हो जाएगा। E2 is equal to rho 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर और LAC, A से C तक का लेंथ 75 सेंटीमीटर। देखिए यहां रो भी सेंटीमीटर में था इसलिए लंबाई भी हमने सेंटीमीटर में ही यूज कर ली है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 75 2 150, दो नंबर पे दशमलव लग जाएगा तो 1.5, एंड बिकॉज दिस इज द EMF ऑफ सेकेंड सेल देयरफॉर इट्स यूनिट विल बी वोल्ट। इसका मतलब ये जो सेल हमने यहां लगाई हुई है दूसरी सेल, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, 1.5 वोल्ट इसका विद्युत वाहक बल है। नहीं समझ में बात आई आपको, आया तो विभव मापी के न्यूमेरिकल्स में अगर आप एक बार उसका प्रिंसिपल समझ जाते हैं, उसका तरीका समझ जाते हैं, फिर कैसा भी न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड आ जाए, यू विल बी एबल टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर। इसलिए आप उसके तरीके को समझे कि हम लोग करते क्या है उसमें मेनली, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर आपके सामने है, ये AB विभवमापी का तार है, मैं पढ़ता जाता हूं फिर उसे इससे समझ में आ जाएगा। संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में एक 4 वोल्ट की बैटरी E1 तथा एक परिवर्ती प्रतिरोध RH जिसे आप रियोस्टेट भी कहते हैं, विभव मापी के तार AB के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो 4 वोल्ट की बैटरी E1 और ये एक परिवर्ती प्रतिरोध जिसे धारा नियंत्रक बोलते हैं रियोस्टेट, ये विभव मापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में दोनों लगाए गए हैं। विभव मापी के तार की लंबाई 1 मीटर है, विभव मापी का जो तार है टोटल 1 मीटर लेंथ का है, 100 सेंटीमीटर। सेल
E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, ये वाली सेल का संबंध A और C से करने पर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब हम इस सेल का संबंध A और C के बीच में कर देते हैं तो इस सेल से करंट का फ्लो बंद हो जाता है। करंट का फ्लो बंद हो जाता है मतलब आप समझ गए कि क्या होगा, कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो विभवमापी के तार में बिंदुओं A और C के विभवांतर के बराबर होगा। AC की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। ज्ञात करिए विभवमापी के तार के सिरों A और B के बीच विभवांतर। विभवमापी का जो तार है उसके सिरों A और B के बीच का विभवांतर पता लगाना है आपको, ठीक है। AB तार पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर, और ये जो AB तार है इस पर अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई दो बिंदु हों तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये भी आपको मालूम करना है। चलिए ठीक है, एक एक करके फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो वो देख लो कि क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं। जो हमारी प्राथमिक सेल है उसका विद्युत वाहक बल है 4 वोल्ट, पूरा AB तार की लंबाई 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर हमको दी गई है। तार AC की लेंथ 60 सेंटीमीटर दी गई है, और ये जो दूसरी सेल यहाँ लगी है सेकेंडरी, इसका EMF 1.5 वोल्ट दिया गया है। इतनी सारी बातें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। अब बड़ी आसानी से सबसे पहले ज्ञात कीजिए विभवमापी के तार के सिरों A व B के बीच विभवांतर। विभवमापी का जो तार AB है इसके दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, ये आपको मालूम करना है। A और B के बीच का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। क्या आप बता सकते हैं, कोई आइडिया कैसे मालूम कर सकते हैं हम इसे? देखिए हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस सेल का विद्युत वाहक बल हमें मालूम है, ये सेल प्रतिरोध तार में कितनी लंबाई से संतुलित हुई है ये भी हमको पता है। हम इसकी और इसकी हेल्प से ना विभवमापी के तार की विभव प्रवणता निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। विभव प्रवणता निकालने के बाद फिर हम बड़ी आसानी से A और B के बीच का विभवांतर आपको बता देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले विभवमापी के तार की विभव प्रवणता, विभव मापी के तार की विभव प्रवणता रो इज इक्वल टू, रो के लिए क्या तरीका है कि अगर आपको A और C के बीच का विभवांतर मालूम है तो आप A और C के बीच की लंबाई से डिवाइड कर दो। A और C के बीच विभवांतर ले लेंगे हम अपॉन A और C के बीच की लंबाई ले लेंगे। क्या आप बता सकते हैं बिंदुओं A और C के बीच का विभवांतर कितना होगा, इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे E2 और LAC, रो इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी है 1.5, LAC 60। इस तरह से इसका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर। दशमलव हटाइए, 10 बढ़ा दीजिए, फिर आप रो सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15 चौके 60, 1/40, और यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये विभवमापी के तार की विभव प्रवणता आ गई, कितनी आ गई, 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर मीनिंग मतलब क्या हुआ कि तार में 1 सेंटीमीटर चलोगे तो 1/40 वोल्ट का विभव का अंतर पैदा हो जाएगा, ठीक। ये हमको पता लगा, तो हम तार के सिरों A और B के बीच का विभवांतर पता लगाना चाहते हैं, इसलिए तार के सिरों A
व बी के बीच विभवांतर, जिसे हमने वी ए बी से लिखा है, ये मालूम करना है। अब आप देखो कितना इजी है बेटा, ये जो यहां पर विभवमापी का तार लगा हुआ है इसके 1 सेंटीमीटर का विभवांतर कितना है, 1/40 सेंटीमीटर, और हमें तो पूरे ए और बी के बीच का विभवांतर चाहिए, तो पूरी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर का विभवांतर 1/40, तो 100 सेंटीमीटर का विभवांतर कैसे निकाला जाए, गुणा करा देते हैं। तो हम कर देंगे रो इंटू एल ए बी, वी बराबर रो इंटू एल ए बी, रो की वैल्यू है 1/40 और एल ए बी की वैल्यू है 100। 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से 10 को डिवाइड करेंगे आप, 2.5 वोल्ट। तो बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर 2.5 वोल्ट का होगा, पूरा यहां से यहां तक का विभवांतर 2.5 वोल्ट। अब आप देखें यहां जो आपके सेल लगी हुई है प्रमाणिक सेल, ये प्रमाणिक सेल कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की, उसके बावजूद भी विभवमापी के तार के सिरों के बीच का विभवांतर केवल कितना, 2.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट कहां चला गया, वो जो परिवर्ती प्रतिरोध लगा है ना, जरूर उसके सिरों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट का होगा, तभी तो 1.5 और 2.5 जब मिलेंगे फिर 4 बन जाएंगे वो, समझ आ गया। तो पूरा विभवांतर हमको मालूम चल गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन में है ए बी तार पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ये तो और भी इजी बगवा, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1/40, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1/40 × 20, बहुत साधारण सा आंसर है। तो यहां पर लिख देंगे ए बी तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर, कैसे निकाला जाएगा, रो का गुणा हम करवा देंगे, ये जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पूछी जा रही है हमसे, रो इंटू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रो का मतलब है 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसलिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1/40 × 20, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 0.5 वोल्ट। तो विभवमापी के तार में अगर कोई भी दो बिंदु ले लें जिनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0.5 वोल्ट का आएगा बस, ठीक है। अब आप ये बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, आप जल्दी से नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे आ जाते हैं, ये एक फिगर बना हुआ है और लिखा है ए बी एक 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है तथा इसका प्रतिरोध 10 ओम है। ये जो ए से बी तक देख रहे हैं ये 100 सेंटीमीटर लंबाई का एक विभवमापी का तार है और इसका प्रतिरोध 10 ओम है, ए बी तार का खुद का अपना प्रतिरोध 10 ओम के बराबर है, या मतलब ये जो तार है प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू 40 ओम, कैपिटल R 40 ओम तथा 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और स्मॉल R बराबर 0, स्मॉल R 0 का मतलब आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो ये जो विभवमापी का तार है ना, ये एक प्रतिरोध है 40 ओम का और एक सेल है यहां पर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। देखो ए बी के दोनों सिरों के बीच ये प्रतिरोध और सेल लगा दी गई है। धारामापी जी की अविच्छेद की स्थिति में, धारामापी यहां लगा हुआ है
इसमें अविच्छेद की स्थिति है। अविच्छेद की स्थिति का मतलब इसका जो इसका जो पॉइंटर है वो कहां पर है, जीरो पर है इसका पॉइंटर। तो आपको उस वक्त ये पता लगाना है, सेल E2 का विद्युत वाहक बल मालूम करना है। यहां पर जो ये सेल आप देख रहे हैं इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा ये पता लगाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो नोट करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमको गिवेन हैं। देखिए सबसे पहले जो ऊपर प्राथमिक सेल लगी हुई है इसका विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट, और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। उसके साथ एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है 40 ओम का। जो प्रतिरोध तार है AB, इसका खुद का प्रतिरोध भी 10 ओम के बराबर दिया गया है। तो प्रतिरोध तार AB का प्रतिरोध 10 ओम है और इस तार की लंबाई जो दी गई है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर जितनी लंबाई पर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट देता है वो लेंथ A से C तक की है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। इतनी सारी बातें लगभग बताई गई हैं और आपको इस सेल का विद्युत वाहक बल पता लगाना है। देखिए हम करना क्या चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किसी तरह से अगर मुझे ये पता लग जाए कि इस तार की विभव प्रवणता कितनी है, विभव प्रवणता कितनी है ये पता लग जाए, मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का विभवांतर कितना है, अगर ये हमको मालूम हो जाए तो हम 40 सेंटीमीटर का विभवांतर निकाल लेंगे और 40 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर ही इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट है अभी विभव प्रवणता पता लगाना। विभव प्रवणता के लिए इधर से तो कोई जानकारी मुझे हासिल नहीं हो रही है, उधर से ही लाना पड़ेगा मुझे। इसके लिए आपको इस तार में बहने वाली धारा मालूम करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो प्रतिरोध तार AB में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध तार AB में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू, देखो बेटा प्रतिरोध तार जो AB है उसमें ये छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इधर करंट नहीं आ रही है, ये सब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। अगर हम इसमें करंट पता लगाना चाहते हैं तो करंट का फॉर्मूला टोटल क्या रहेगा, नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो नेट विद्युत वाहक बल कितना होगा, E1। कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध के लिए एक 40 ओम श्रेणी क्रम में लगा है और इस तार का अपना खुद 10 ओम का प्रतिरोध है वो भी श्रेणी क्रम में है। उसके लिए मैं यहां पर एक काम कर दूंगा, RAB+R दोनों श्रेणी क्रम में है, सॉल्व कर लीजिए। E1 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, और AB तार का प्रतिरोध 10 ओम और कैपिटल R जो श्रेणी क्रम में लगा है 40 ओम का यह लगा हुआ है। करंट आएगी 2/50 एम्पियर। आप चाहें तो 50 से इसको डिवाइड कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/25 एम्पियर, 2 × 1 = 2, 25 × 50 1/25 एम्पियर करंट। इतनी तो करंट फ्लो होगी भैया, इस तार में इतनी करंट प्रवाहित होगी। अगर इतनी करंट फ्लो होगी तो क्या तार AB के सिरों के बीच का विभवांतर बता सकते हैं आप, यहां निकाल लेते हैं। इसलिए तार के बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर, तार के बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर VAB, विभवांतर का सूत्र बता सकते हैं
I into R, आपको A और B के बीच का विभवांतर चाहिए, तो A और B के बीच जो धारा बहेगी वो ले लो और A और B के बीच का ही प्रतिरोध ले लीजिए। तो A और B के बीच जो करंट फ्लो रही वो तो I है, और A और B के बीच का ही प्रतिरोध ले लेते हैं आर ए बी। करंट है 1/25 एम्पियर एंड आर ए बी, ए बी तार का प्रतिरोध है 10 ओम। ठीक है, इस तरह से वी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 10 = 25 इतना वोल्ट। अब देखो बेटा, ए से बी तक का टोटल विभवांतर कितना आ गया, 2/5 वोल्ट, और ए से बी तक की टोटल लेंथ हमको मालूम है 100 सेंटीमीटर। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया, टोटल लेंथ हमें ऑलरेडी मालूम है, इस जानकारी से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विभवमापी के तार ए बी का विभव प्रवणता विभवमापी के तार ए बी की विभव प्रवणता हम पूरे तार का विभवांतर लिए ले रहे हैं, इसलिए पूरे तार की ही फिर हम लेंथ भी ले रहे हैं। पूरे तार का विभवांतर है 2/5 वोल्ट और बटे में एल ए बी, ए बी तार की टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए जरा, कितना बन जाएगा ये, 2 से आप इसको काटेंगे 50 टाइम्स में, 1/5 का × 50 से कर देंगे 250, और इसका यूनिट बताइए वोल्ट पर, हाँ जी सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पूरा 100 यूज किया है सेंटीमीटर में, वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब हुआ बताइए, इसका मतलब यह हुआ कि अगर विभवमापी के तार में आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलोगे तो कितना विभव में अंतर आ जाएगा, 1/250 वोल्ट का। E2 का विद्युत वाहक बल A और C के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। अब सेल E2 का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा बताइए, क्या लिखे हम, ये जो सेल E2 है इसका विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, विभव मापी के तार में बिंदुओं A और C के बीच विभवांतर। विभवमापी के तार में बिंदुओं A व C के बीच विभवांतर, अब आप बताइए हम बिंदुओं A और C के बीच का विभवांतर कैसे निकाल सकते हैं, बताओ भाई हमको A और C के बीच का विभवांतर निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए, A और C के बीच का रो निकाल लें, हमने AB का तो रो निकाल लिया है, अब A और C के बीच का रो कितना होगा ये कैसे पता लगाया जाए। बताइए हमने AB का रो निकाल लिया है, देखो लिखा है तार AB की विभव प्रवणता, तो AC की विभव प्रवणता कितनी आएगी ये कैसे निकाली जाए, क्या कर रहे हैं। तो फिर आप लगातार 2 दिनों से विभवमापी पे विभवमापी न्यूमेरिकल हम लोग लगाए जा रहे हैं, आप पढ़ते क्या हैं, आपको याद नहीं है विभवमापी के तार की विभव प्रवणता, ये एक उसका ऐसा गुण है जो
आप पूरे तार का निकालो, इतने तार का निकालो, सेम ही आता है। विभव प्रवणता का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरे तार का निकाला है कि आधे तार का निकाला है। विभव प्रवणता तार का है, उसकी लंबाई से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए विभव प्रवणता एबी के लिए भी वही यूज होगी, एसी के लिए भी वही यूज होगी। और कितना सिंपल सा तरीका है, 1 सेंटीमीटर चलने पर 1/250 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। और हमने तो आपसे ए और सी के बीच का विभवांतर केवल पूछा है, तो ए से सी तक कितने सेंटीमीटर चलेंगे आप? 40 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर चलने पर 1/250 वोल्ट का विभवांतर आता है, तो 40 सेंटीमीटर चलने पर कितना आ जाएगा? क्या करना चाहिए? गुणा कर देना चाहिए। दिमाग के सारे सोर्स बंद हो जाते हैं क्या आपके? क्या लिखना चाहिए मुझे? रो इंटू एल ए सी, रो की जगह पर 1/250 और एल ए सी की लेंथ बेटा कितनी है? 40। सॉल्व करो भैया इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। आंसर में इसके जो दे रहे हैं उसके लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 25 का भाग 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, तो छोड़ दे फिर आंसर निकालना। भाई आपने बोला कि भाग जाएगा ही नहीं, तो जब भाग जाएगा ही नहीं तो फिर अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, सवाल छोड़ दिया जाए यहीं से। भाग जाएगा 0 बार जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कहते कि भाग नहीं जाएगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो हम छोड़ छाड़ के चले जाएं फिर सवाल। फिर आप कहोगे नहीं भाग भी दो, आप कह रहे हो भाग जाएगा भी नहीं, कह रहे हो भाग दो भी, ऐसा कैसे हो सकता है? 0 बार गया, फिर हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 25 एकम 25 कितने बच गए? 15। 40 हो गया था ना, फिर 25 × 150, इसका मतलब सेल E2 का विद्युत आवेश बल कितना आ गया? 0.16 वोल्ट के बराबर। ये तरीका है, इस तरह से हम सेल E2 का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। अब आप बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया? सारी चीजें ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए मैं पढ़ता हूं, ये उसका फिगर बना हुआ है। लिखा है दिए गए चित्र में विभवमापी के तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिरोध 5 ओम है खुद का। प्रमाणिक सेल E का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट तथा परिवर्ती प्रतिरोध R का मान 6 ओम रखा जाता है। ये परिवर्ती प्रतिरोध, इसको R बता रहे हैं। ये जो सेल आपकी लगी है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की है, R को 6 ओम रखा जाता है। सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु C पर प्राप्त होता है। ये जो E1 सेल लगी है इसके लिए नल पॉइंट बिंदु C पर हमें मिलता है। तथा AC की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, मतलब AC तक का जो लेंथ है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये 75 सेंटीमीटर है। वैसे पूरे तार की लेंथ तो 100 सेंटीमीटर है, ऊपर लिखा हुआ है। तो ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए? नंबर 1, विभवमापी के तार में प्रवाहित धारा कितनी करंट फ्लो होगी ये मालूम करना है। 2, तार की विभव प्रवणता क्या होगी ये भी पता लगाना। 3, सेल E1 का विद्युत वाहक बल ये भी आपको मालूम करना है, ठीक है। स्टार्ट करा जाए सॉल्यूशन। सबसे पहले जो बातें हमें दी गई हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए हमें। E1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, जो परिवर्ती प्रतिरोध है उसको 6 ओम रखा जाता है। तार, पूरे तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ACC तक की लंबाई ये केवल 75 सेंटीमीटर के बराबर है। तार AB का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम के बराबर दिया गया है, 5 ओम। इतनी सारी जानकारियां हमें दी गई हैं। अब 1 by 1 हम इसके पार्ट लेते जाते हैं और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट,
विभवमापी के तार में प्रवाहित धारा। विभवमापी के तार में प्रवाहित धारा, क्या आप बता सकते हैं? देखो इधर की तरफ करंट तो आ नहीं रही है क्योंकि ये तो सिग्नल पॉइंट मिल गया है उसका, तो पूरी की पूरी करंट यहां से ऐसे आएगी, यू इस तरह से ऐसे इसमें होते हुए इधर ऐसे निकल जाएगी। बस हमको ये करंट का मान ही पता लगाना है। तो करंट के लिए अभी हम आपको फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं आप, नेट विद्युत वाहक बल। तो उधर वाली लाइन में नेट विद्युत वाहक बल कितना लगा हुआ है? 6 वोल्ट। और इस लाइन का टोटल रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में दो चीजों का प्रतिरोध आएगा, एक तो ये आएगा R, और एक इस तार का खुद का अपना जो रेसिस्टेंस है 5 ओम वो भी आ जाएगा। तो हम ये R लिख लेंगे और तार AB का प्रतिरोध उसके साथ ले लेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो प्लस में लेना पड़ेगा हमको। E की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट। कैपिटल R 6 ओम प्लस R AB की वैल्यू कितनी है? 5 ओम। इस तरह से I की वैल्यू कितनी आ गई? 6/6 5 11 इतने एम्पियर। बस यही आपका आंसर दिया जा रहा है। तो विभवमापी के तार में प्रवाहित धारा का मान आएगा 6/11 एम्पियर। सेकेंड पार्ट, तार की विभव प्रवणता कितनी होगी? तार की विभव प्रवणता के लिए हम ए और बी के बीच का विभवांतर पता लगा लें, और ए और बी के बीच लेंथ हमको पता है, तो हम तार के बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर, तार के बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर, वी ए बी, विभवांतर के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? आई इंटू आर, करेंट इंटू रेसिस्टेंस। आप ए और बी के बीच का विभवांतर ले रहे हो तो ए और बी के बीच का ही प्रतिरोध आपको लेना पड़ेगा। I के लिए कितना लिखेंगे? 6/11 एम्पियर, ये हमने अभी सॉल्व किया है। A और B के बीच का प्रतिरोध कितना है? तो A और B के बीच का प्रतिरोध 5 ओम है। आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 30/11 वोल्ट। ये हमने क्या निकाला है? A और B के बीच का विभवांतर। हमें तो तार की विभव प्रवणता चाहिए, इसलिए तार की विभव प्रवणता, तार की विभव प्रवणता रो के लिए जितनी लंबाई का आपको विभवांतर मालूम है उसमें उसी लंबाई से डिवाइड कर दो। तो ए से बी के बीच का पूरा विभवांतर आपको मालूम है तो पूरा विभवांतर ले लो, और ए से बी के बीच की लंबाई ले लीजिए। अब इसे सॉल्व कर लो, ए बी के बीच विभवांतर कितना है? 30/11, अपॉन में ए बी की लेंथ लेनी है, ए बी की लेंथ 100 सेंटीमीटर, ई 100, 10 से 10 कैंसिल कर दिया हमने, ऊपर बच गया 3/110, और रो का यूनिट बताएंगे आप हमको? ऊपर हमने वोल्ट लिया हुआ है और अपॉन में L जो लिया है सेंटीमीटर में, इसलिए विभव प्रवणता 3/110 सेंटीमीटर के बराबर आएगी, वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब यह विभव प्रवणता तार AB की है कि तार AC की है? चाहे जहां यूज करो, पूरे तार में कई जगह यूज करो, सबके लिए है ये किसी खास लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी। अच्छा, ये हमने कर लिया सेकेंड पार्ट, अभी थर्ड पार्ट करना है। सेल E1 का विद्युत वाहक बल चाहिए, सेल E1 का विद्युत वाहक बल
बताइए कैसे निकाला जाए सेल E1 का विद्युत वाहक बल। उसके लिए बिंदुओं A और C के बीच का विभवांतर निकाल लो आप। बिंदुओं A व C के बीच विभवांतर, अब A और C के बीच का विभवांतर कैसे पता लगाया जाए बताइए फिर से हमको, कि हम A और C के बीच का विभवांतर कैसे मालूम करें। जब आपको विभव प्रवणता मालूम हो जाती है इसका मतलब आपको क्या मालूम हो जाता है, एक सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर, भूल जाते हो बार बार आप। जब भी आपको विभव प्रवणता मालूम हो जाती है इसका मतलब आपको ये मालूम हो गया है कि तार में एक सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर क्या है। फिर कोई आपसे 75 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर पूछे तो क्या करना होगा, उसका गुणा। तो इतना सोच विचार क्यों होता है फिर। तो हमको क्या करना है, A व C के बीच विभवांतर, देन E1 इज इक्वल टू रो इंटू एल ए सी, रो कितना है 3/110 और A से C तक का डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर। इसको कैंसिलेशन कर रहे हैं, 5 × 10 × 5 × 10 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45/22, 22 × 44 22 × 44 कितना बच गया, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, कितना हो गया 10। अब 22 का भाग 10 में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बस छोड़ दें, जाएगा कितनी बार जाएगा, 0 बार। अब तो आप ये क्यों बोला करते हो कि भाग नहीं जाएगा, अगर भाग नहीं जाएगा भाई, भाग अगर जा ही नहीं पा रहा है तो अब आगे क्या कर पाओगे, कुछ हो नहीं सकता, तो छोड़ दिया जाए सवाल। तो एक तरफ ये भी आप कहते रहते हो कि भाग जा नहीं रहा है, दूसरी तरफ भाग देते भी रहते हो, ये तो वही बात हो गई ना, पेट भरा भी है और खाते भी हो, ये कैसी चीज है। भाग कभी ये नहीं होता कि भाग नहीं जाएगा, जब एक बार भी भाग नहीं जाएगा तो 0 बार तो जाएगा ही, इसलिए प्लीज आप कभी मत बोलिए कि भाग नहीं जाएगा, नहीं तो हम बोल देंगे कि सवाल छोड़ दें। तो फिर 0 बार भाग गया, फिर 1 0 पर आया, 100 बन गया। अब 22 × 4 = 88, बस इतना रख लो, E1 इज इक्वल टू 2.04 वोल्ट। इस तरीके से इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया, 2.04 वोल्ट के बराबर आ गया। ये एक न्यूमेरिकल हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अभी आपको क्या लगता है विभवमापी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं अभी, इनमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है, एक न्यूमेरिकल और लगा लेते हैं और इसके बाद इसको कंप्लीट घोषित कर देते हैं, ठीक है, और अगले दिन से अगला लेसन स्टार्ट। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक विभवमापी में धारा इस प्रकार समायोजित की जाती है, एक पोटेंशियोमीटर है उसमें करंट को इस तरीके से सेट करते हैं कि जब हम 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली प्रमाणिक सेल से 56 सेंटीमीटर लंबाई पर अविच्छेद बिंदु हमें मिलता है, मतलब जब इतने वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल लगाते हैं तो इतनी लेंथ पर हमें नल पॉइंट प्राप्त होता है, और यदि किसी अन्य सेल से फिर एक दूसरी सेल हम लगाते हैं उससे हमें अविच्छेप बिंदु 70 सेंटीमीटर लंबाई पर मिलता है। तो कह रहे हैं कि उस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, इसका मतलब यहाँ पर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए सेटअप तैयार किया गया। पहली वाली सेल जब लगाई गई तो उसका विद्युत वाहक बल कितना था, 1.02 वोल्ट, कितनी लेंथ पर जाके हमें उसका नल पॉइंट मिला, 56 सेंटीमीटर पर। एक दूसरी सेल भी हम लाए लेकिन उसका विद्युत वाहक बल हमको मालूम नहीं था, उसको हमने लगा के जब फिर से एक्सपेरिमेंट किया तो हमको नल पॉइंट मिला 70 सेंटीमीटर पर। अब इतनी जानकारी को लेकर के आपको वो दूसरी वाली सेल जिसका विद्युत वाहक बल आपने नहीं मालूम है वो आपको मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले नोट कर लो कि क्या क्या दिया गया है।
पहली सेल का विद्युत वाहक बल है 1.02 वोल्ट, तो उसके लिए नल पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? 56 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल हमें नहीं मालूम, लेकिन ये वाली सेल 70 सेंटीमीटर लंबाई पर इसका नल पॉइंट मिलता है आपको, इतनी जानकारी दी गई है। तो दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करें, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे हम E2 का मान निकाल सकें? एप्लीकेशन आप पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, उसमें एक फॉर्मूला निकाला था आपने इनके बीच में, कौन सा फॉर्मूला? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये है 1.02, E2 हमें मालूम करना है, 56 अपॉन 70। देखो दशमलव हटाएंगे, दो जीरो यहां बढ़ा लेंगे, दो अंक का दशमलव हटा ना, दो जीरो बढ़ा दिए हमने, तब तक एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 56 से काटोगे, 56 दुना 102, और 56 से 10 बार में 560 कट जाएगा। दो से काटेंगे, दो पंचे 10, फिर 5 से 7 को आप कैंसिलेशन कर दें, 1.4। इस तरह से E2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4 वोल्ट। तो जो दूसरी वाली सेल है उसका विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट, पर इसमें तो 1.275 वोल्ट दे रहे हैं भाई, तो इसका मतलब कहीं हमसे कुछ गलती हो गई है। चेक करते हैं जरा, 2 6 12, 2 5 6 10, ओ कैंसिलेशन में 56 दुना 102 नहीं होता, बस यही गलती हो गई है। चलिए फिर से इसको कैंसिल कर लीजिए, E1 की जगह पर क्या लिखिएगा? 1.02। E2 L1 की जगह 56 अपॉन 70, 14 चौके 56, 14 5 70, ठीक है। अब 4 से तो हम इसको काट सकते हैं ना, 4 1 4, ये कैंसिल करेंगे पॉइंट, 4 2 8, 4 5 20, फिर 4 5 20। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो E2 का गुणा 1 से कर देंगे, 5 को इससे गुणा कर देंगे, 5 25, हासिल लगे 2, 5 25 और 2 27 के साथ हासिल लगे 2, 5 2 10 और 2 12, 3 अंक पे दशमलव, 1.275 वोल्ट ये विद्युत वाहक बल आ जाएगा, ठीक है। वो पहली बार में कुछ हो गया गलती यार। चलिए 37 नंबर न्यूमेरिकल, और ये लास्ट न्यूमेरिकल लगाएंगे हम इस पूरे लेसन का। एक विभवमापी के तार की संपूर्ण लंबाई 10 मीटर है। अब मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, सारी चीजें आप अगर आपके माइंड में हैं तो विभवमापी के पूरे तार की लंबाई को किससे लिखा जाए? LAB, वेरी गुड। हम सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर देते हैं साथ में। LAB कितना है? 10 मीटर, ठीक है। आप अगर इसे सेंटीमीटर में बदल दें तो ये 1000 सेंटीमीटर बन जाएगा, 100 से गुणा करवाएंगे ना। विभवमापी के तार में स्थिर धारा प्रवाहित करने पर विभव प्रवणता 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। विभव प्रवणता को रो से लिखेंगे, 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर। विभव प्रवणता अगर इतनी है तो इसका मीनिंग क्या है? कि 1 सेंटीमीटर चलेंगे इतना विभवांतर आ जाएगा। गणना करिए, लीजिए बस तुरंत गणना करना आ गया। 1.025 वोल्ट की प्रमाणिक सेल से जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु, 1.025 वोल्ट की प्रमाणिक सेल हमने लगाई सेकेंडरी सर्किट में, तो अविक्षेप बिंदु कितनी लंबाई पर प्राप्त होगा? क्या आप बता सकते हैं मनी मन सोच करके कि कौन सी लंबाई निकालनी है? फिर से ये वाली सेल हमने कहां लगाई? एक ऊपर लगाई है, उससे विभव प्रवणता इतनी मिल गई। एक द्वितीयक परिपथ में सेल लगाई, इसका विद्युत वाहक बल इतना है,
तो इससे जब हम अविच्छेद बिंदु निकालने जाएंगे तो कितनी लंबाई पर मिलेगा वो लेंथ पता लगानी है। क्या पता लगाना? LAC, याद आया आपको? चित्र में बनाएंगे तो सी पॉइंट नाम रख देंगे उसका। तो हम LAC पता लगाना चाहते हैं। क्या बताएंगे कौन सा सूत्र लगा दिया जाए इस पे? देखो, ये जो प्रमाणिक सेल का विद्युत वाहक बल है, प्रमाणिक सेल का विद्युत वाहक बल हम E1 मान लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे ρ × LAC, ठीक है? क्योंकि इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो प्रतिरोध तार में A और C के बीच विभवांतर के बराबर होगा। अब प्रतिरोध तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर इतना है, तो LAC सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर गुणा करा देंगे, वो इसके विद्युत वाहक बल के बराबर आ जाएगा। तो 1.025 रो की जगह 0.0025 इंटू LAC, इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये इधर भाग में आ जाएगा 1.025 ये 4 अंक पे दशमलव है, ऊपर 3 अंक पे दशमलव है, इसलिए 10 ऊपर बढ़ जाएगा। इस तरह से LAC कितना आएगा? 25 का भाग देंगे, 25 चौके 100, 102 में 100 का भाग दिया मतलब 100 आया, कितना बचेगा? 2। फिर 5 ऊपर से नोट कर लिए, 25 हो गया, 25 एकम 25, 10 और आ जाएगा। इसका मतलब बेटा क्या निकलता है कि जब आप 1.025 वोल्ट की सेल लगा के और अविच्छेद बिंदु निकालने जाओगे तो वो अविच्छेद बिंदु कितनी दूर मिलेगा? 410 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको मिलेगा, ठीक? अच्छा, इसके बाद सेकंड अज्ञात विभवांतर मालूम करिए। आप बताओ इसको कैसे निकाला जाए, अज्ञात विभवांतर बताओ जो हमको पता नहीं है। यदि अविच्छेद बिंदु 860 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है, मतलब वो वाला विभवांतर पता लगाओ जो 860 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मिलेगा आपको, कैसे मालूम करिएगा? सोचो, आपको आता है? देखो, आपको आता है, ये हमें आता है ना, थोड़ा अजीब कि आपको ये मालूम है, ये बात हमें मालूम है, बताइए कैसे निकाला जाए। तार पर दो बिंदुओं के बीच का लेंथ हमने कितना बता दिया है आपको? 860 सेंटीमीटर। उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर चाहिए आपको, कैसे निकाला जाए? रो में 860 का गुणा करवा दो, कहां दिमाग रहता है? रो का मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर है तो 860 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर क्या होगा? गुणा करवा देना चाहिए कि नहीं करवा देना चाहिए? नहीं समझ में आया? अच्छा, तो अज्ञात विभवांतर, अज्ञात विभवांतर। अच्छा, अब ये बताओ, ये आपको आता था कि नहीं आता था? आता था, पर याद नहीं आ रहा था केवल आपको, है ना? चलिए कोई बात नहीं, आपको याद दिलाने के लिए तो हम यहां पर हैं। अज्ञात विभवांतर कैसे निकाले? रो को हम 860 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि ये भी वोल्ट पर सेंटीमीटर में है और लेंथ भी सेंटीमीटर में है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रो की वैल्यू कितनी है? 0.0025 × 860, मल्टीप्लाई करवाइए, 0, 25, 6, 150, कैरी 15, 25, 8, 200 and 15, 215, 1, 2, 3, 4 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। इस तरह से अज्ञात विभवांतर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.15 वोल्ट। तो 860 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो दो बिंदु होंगे उनके बीच का विभवांतर 2.15 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अभी और कुछ बचा? देखो, आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, आपको बताना है
इस यंत्र द्वारा अधिकतम विभवांतर कितना नापा जा सकता है? यंत्र द्वारा नापा जा सकने वाला अधिकतम विभवांतर वी मैक्सिमम बताइए, है किसी को आइडिया कैसे नाप सकते हैं कि ये जो डिवाइस है आपकी पोटेंशियोमीटर, इस पोटेंशियोमीटर डिवाइस से मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं? कुछ भी आपके मन में हो बताइए। रो इनटू 1000 बिल्कुल सही जवाब है। देखो कैसे, सुनो, 410 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर नापने जाते हैं तो कितना मिलता है? 1.025 वोल्ट, 410 लंबाई का। 860 सेंटीमीटर लंबाई का नापने जाते हैं तो कितना आता है? 2.15। तो मैक्सिमम कितनी लंबाई तक का नाप सकते हैं? जितना लंबा हमारा विभवमापी का तार होगा। तो कितना लंबा विभवमापी का तार है? पूरा 1000 सेंटीमीटर लंबाई का विभवमापी का तार है। तो 1000 लंबाई के बीच जो विभवांतर होगा मैक्सिमम, उतना आप मेजर कर सकते हो। इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस फिर आप मेजर नहीं कर सकते। भाई अलग अलग लंबाइयों के बीच विभवांतर अलग अलग है। सबसे ज्यादा लंबाई कितनी है? 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर लंबाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैक्सिमम, वो पोटेंशियल डिफरेंस आप नाप सकोगे। क्योंकि इससे ऊपर क्यों नहीं नाप पाओगे? इससे ऊपर तार ही नहीं है फिर आपके पास। 1000 सेंटीमीटर का ही तो तार है आपके पास। तो विभवमापी में जितना लंबा तार लगा होगा उसके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वही उस यंत्र के द्वारा नापा जा सकने वाला मैक्सिमम विभवांतर रहेगा। इसलिए मैक्सिमम विभवांतर हम 1000 सेंटीमीटर लंबाई के बीच का नाप सकते हैं। अब 1 सेंटीमीटर लंबाई का इतना है तो 1000 सेंटीमीटर लंबाई का क्या होगा? तो हम रो को मल्टीप्लाई कर देंगे LAB से। रो की वैल्यू कितनी दी जा रही है? 0.0025 × 1000, 25000, 4 अंकों पे 2.5 वोल्ट। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस डिवाइस से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं तो वो है 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं नाप सकते। अगर नापना है तो तार और लंबा लगाइए। नहीं समझ में आया? 15 मीटर का तार लगाओ, 20 मीटर का तार लगाओ, अगर ज्यादा नापना है तो आपको। और ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने इस लेसन के बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स लगाए, आपने भी उन्हें देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म। शायद गतिमान आवेश और चुंबकत्व का लेसन है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, उसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।